अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। जी हां, फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे भारत की, पाकिस्तान की और जाहिर है कि कश्मीर की, जो कि एक इशू है दोनों कंट्रीज के दरमियान। अब कोई माने या ना माने, क्योंकि साजिद साहब लास्ट टाइम कह रहे थे कि कोई इशू ही कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं। तो बिल्कुल इशू है और उस पर बात हम करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया इंडिया से साजिद यूसुफ शाह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आ जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और साजिद साहब एक्टिविस्ट हैं और हम उनसे बल्कि ये भी जानना चाहेंगे कि एज एक्टिविस्ट जो है वो क्या काम वो करते हैं कश्मीर के लिए, ये भी हम उनसे समझना चाहेंगे। और जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है फखर यूसुफ जई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फखर, क्या जा पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं साजिद साहब आपकी तरफ चलूंगी, क्या कहेंगे आपके सबसे पहले ये कि एज एक्टिविस्ट, क्योंकि इंडिया से जो भी हमारे पास कश्मीर साइड से अगर कोई आते हैं तो वो एक्टिविस्ट ही होते हैं मोस्टली, तो एज एक्टिविस्ट आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या कोई ऐसी चीज भी करते हैं जिससे दोनों कंट्रीज के बीच की टेंशन को कम किया जा सके, जो कश्मीर का इशू है जो आप कहते हैं नहीं है, मैं कहती हूँ है, तो उसको जो है वो हल किया जाए। और इतने टाइम से हम लोग एक टेंशन बनी हुई है, सालों से लड़ झगड़ रहे हैं, जंगे कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, मगर ना तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कश्मीर का एक हिस्सा है, ना आप लोग एक इंच भी ले पाए। और यही हाल पाकिस्तान का है कि हम भी यहाँ से जितना मर्जी हमारे पॉलिटिशियंस और एस्टेब्लिशमेंट बात करें, लेकिन वो भी एक इंच भी इंडिया से कश्मीर को नहीं ले पाए। तो ये कब तक चलेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए आरजू जी, पहली चीज है, जहां तक ताल्लुक है एक्टिविस्ट का, आपको ये बता दूं कि कश्मीर में जब आपने कहा, बहुत सारे ऐसे भी आपके शो में आए जिनने अपना जो तारुफ किया एज एन एक्टिविस्ट किया, तो हर किसी एक्टिविस्ट का अपना अपना फील होता है। तो हमारा मतलब, मैं अपनी बात करूँ, मेरा अपना एक दायरा है और उस दायरे पर मैं काम करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज से नहीं, ऑलमोस्ट 14 साल हो गया अराउंड मुझे इसी फील्ड में एज एन एक्टिविस्ट काम करते हुए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, एज एन एक्टिविस्ट मेरा ये फ़र्ज बनता था कि सबसे पहले अपने माशरे में, या अपने जो मेरा घर जो है, मैं जिस घर के बारे में जिक्र करता हूँ उस घर को मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूँ। तो जब तक मेरा अपना घर जल रहा था, या मैं ये कहूँ जब तक मेरा अपना घर सही नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई फ़र्ज़ बनता था, या कोई मेरा एक कहीं किसी चीज़ में फ़र्ज़ या कुछ बनता था कि मैं दूसरों के घर पे उंगलियाँ उठाऊं या दूसरों के साथ बात करूं। सबसे पहले अगर मेरा कोई फ़र्ज़ था कि मैं अपना जो घर है उसको एक ऑर्डर में, या उसको एक प्लेसमेंट उसकी हो जाए, तब मैं दूसरी चीज़ों पर बात कर सकता था। मैंने जब कहा 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स में मेरी यही कोशिश रही कि मेरा जो घर था जम्मू कश्मीर, जो मेरा घर था, उसको एक ऑर्डर, उसको एक प्लेस, जगह मिलनी चाहिए जिस जगह पे उसको बहुत साल पहले होना चाहिए। एंड उसके बदौलत जो जम्मू कश्मीर के हालात पास में रहे, स्पेशली बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो मैं ये कह सकता हूँ कि बदकिस्मती थी कि हमारे बच्चे जो थे उनके हाथ में बंदूक आते थे, हमारे बच्चों के हाथ में पत्थरे आते थे, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल से बहुत ही दूर रहते थे। तो हमारा एक ही फोकस रहा पहले से कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को हम तालीम से महरूम ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में हर कोई चीज़ बन सकती है, लेकिन अगर हमारे माशरे में हमारे बच्चे जो है तालीम से महरूम रहे, उसका कोई कंपनसेट कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी, अगर आप कितने भी सुपर पावर, या जो लोग या मुल्क कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, मुझे लगता है वो उस न्यूक्लियर पावर से उस एजुकेशन को कंपनसेट नहीं कर सकते थे। तो मेरा भी फ़र्ज बनता था एज एन सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं अपने घर पर नज़र डालूँ। और उसके साथ साथ में हमने मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जम्मू कश्मीर यूथ सोसाइटी, तो हमारी यूथ सोसाइटी का यही चीज़ था कि हमारे जितने भी बच्चे थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जिनने फॉर एग्जांपल जो कन्फ्लिक्ट की वजह से या तो उनके माँ बाप चले गए हैं, या किसी हादसे में उनके माँ बाप नहीं रहे हैं, जो ऑर्फन्स थे, मेरी हर बार कोशिश रही कि सबसे पहले मैं यतीमों की आवाज़ बनूँ, मैं यतीमों के लिए कुछ कर लूँ। आज के बारे में आप जिक्र कर लूँ, आज का जो डेट है हमारा जहाँ तक ताल्लुक है रमज़ान का, मैं आज के बारे में आपको जिक्र करूँ। आज जो मैंने इख्तियार की वो यतीम ट्रस्ट में की, क्योंकि मुझे लगा यतीम बच्चे जो हैं
उनका कोई होता नहीं है, उनके साथ अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मुझे लगता है इससे बड़ी इबादत नहीं है। तो मैंने इस बार ये फैसला किया था, आज के दिन ये रखा था कि आज के दिन में सिर्फ जो हमारा यतीम ट्रस्ट है श्रीनगर में, वहाँ के बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ और उनके साथ मैं ये कह सकता हूँ इफ्तारी करूँ, ताकि उनको भी लगे कोई ना कोई हमारा जो है इस संसार में या इस दुनिया में कोई ना कोई है ऐसा जो हमारे साथ शमूलियत करता है। तो मेरा एक अपना उस चीज़ का नज़रिया है। जहाँ तक ताल्लुक तालीम के हासिल से, मैं आपको ये बता दूँ, जब 2019 में बहुत सारे हमारे ऐसे भी बच्चे थे जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं थे, या वो चाहते थे पढ़ाई कर, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं थे कि वो फुलफिल कर लें। हमारी कोशिश थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये थी कि उन बच्चों के हाथ में हम बंदूक नहीं, उन बच्चों के हाथ में हम किताबें दें। और खास कर जो मेरा ये मेन जो टारगेट रहा, क्योंकि मुझे लगा साउथ कश्मीर जो सबसे ज़्यादा हॉट बेल्ट था, या मैं कह सकता हूँ पीक पे जा वायलेंस के नाम पे, या सबसे ज़्यादा अगर पिछला मुझे लगता कहीं पिछले 6-7 साल में वो साउथ कश्मीर था। तो मेरा फोकस था कि साउथ कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं रिस्पेक्टिव के वो किसके बच्चे हैं, किस गोली से मरे, मेरा ये था कि कोई यतीम जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी गोली से वो शिकार बना। मेरा ये फ़र्ज था कि वो उनके बच्चे उनके घरों तक मैं किताबें कैसे पहुँचाऊँ। मुझे याद है ये 2018 की बात है, 2018 में मैंने सबसे ज़्यादा अगर कहीं बुक डोनेशन की है वही त्राल के एरिया में, क्योंकि त्राल एक ऐसा एरिया माना जाता था पुलवामा में जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो ऑर्फन्स थे। अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री में सुना होगा, सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में अगर पूरे पिछले 30 साल का हम आंकड़ा निकाल लें, सबसे ज़्यादा जो यतीमें हैं वो हमारे नॉर्थ कश्मीर में। मैं खुद नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा फोकस भी था कि वहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है दीनी तालीम तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में साइंस की तालीम भी उनको कैसी दी जाए। तो हमने बहुत सारे वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, जैसे हमारे कंप्यूटर के कोचिंग्स हो, या हमारे बच्चे जो है हमने वहाँ पे टीचर्स जो हमने उनसे बात की थी, उनसे टाई अप किया था, स्कूल से टाई अप किया था, ताकि वहाँ के बच्चों को एक हम इल्म के लिहाज से उनको आगे बढ़े। तो मेरा ये मानना था कि इल्म के जरिए हम किसी भी ये संसार को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी यही नीति है कि बाकी हर कोई मसले हल हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों की जो मुस्तकबिल है उसमें रोक नहीं लगनी चाहिए। तो मेरा ये फोकस था, और हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जितनी भी टीम से उनका आज भी यही मौका है, हम तालीम पे काम करें। बिल्कुल ठीक, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। और मैं यही चीज़ फ़ख्र आपसे भी पूछूंगी कि कश्मीर की जब हम बात करते हैं, तकरीबन काफ़ी टाइम से 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि LOC के ऊपर भी अमन है और उस तरह से फायरिंग वगैरह नहीं हो रही, फिर आखिर ये इश्यू सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग। असल में एक तो ये है कि हम शायद सीरियसनेस नहीं है, मेरा ख्याल जाती ये है। इंडिया ने 2019 में जब 370 और 35 को हटाया आर्टिकल्स को, तो उसके बाद उन्हें कहा यार अब हमारी ये एक यूनियन टेरिटरी हमारी और एक हमारा हिस्सा है, हिस्सा पहले भी उनका था, बट ये था कि एक और तरीके से था, जिस तरह का अभी हमारा कश्मीर है कि वहाँ पे एक अलग से फ्लैग भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दूसरी तरफ की कश्मीर में भी तकरीबन सेम ही थी, शायद कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन हम जब इसको समझेंगे कि हाँ ये एक इशू है, इसको हमने ख़त्म करना है वंस फॉर ऑल दोनों तरफ से। ये मैं ये सिर्फ नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान, सीज फायर एक अच्छा मेरे ख्याल पॉजिटिव स्टेप है और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि यार 2 साल से वाकई दोनों कंट्रीज इस बात पे कायम है कि वो कम से कम ये कुछ नहीं करे, बाकी चलें बीच में हालात इतने अच्छे नहीं है, आना जाना भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं हो रहा, कुछ और चीज़ें भी नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन कम अज़ कम ये तो एक चीज़ है कि एक चीज़ पे यहाँ पे हम रुके हुए हैं। हाँ, अगर इससे हम आगे बढ़ लें, सीज फायर हमने 2 साल मेंटेन रख लिया, इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। आपको याद होगा कि 2021 में बाजवा साहब यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में ये बात उन्होंने जब की, वैसे उससे पहले भी वो करते रहे, लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो उस वक्त लोग बड़े हैरान हुए, हालांकि ये कोई पहली दफा उन्होंने नहीं की थी। बट बाजवा साहब से मुझे सिर्फ एक छोटा सा मतलब उस वक्त भी सवाल किया था और आज भी करता हूं कि बाजवा साहब आप क्योंकि आर्मी चीफ थे तो आपको इसको आगे बढ़ा देना चाहिए था। लोग कहते जी मुशर्रफ बड़ा करीब पहुंचा था लेकिन फिर रह गया, तो सर वो भी एक बड़ा मजबूत किस्म का एक डिक्टेटर था, पाकिस्तान पे 9 साल उसने हुकूमत की,
और सारे इख्तियारात उसके पास थे, उसको करना चाहिए था और उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर और आना जाना सब कुछ था और ये चीजें लोग कहते हैं कि हो सकती थी और होने के बड़ी करीब थी। तो यार जब करीब थी तो कर जाते हैं ना, कौन सी मतलब उसके बाद भी तो हुकूमतें कायम थी, ऐसा तो नहीं था कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई। इसी तरीके से बाजवा साहब अभी 22 नवंबर में रिटायर्ड हुए, लेकिन उससे पहले ठीक है सीज फायर एक क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि फौज ही होती है ना, एलओसी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की फौज ही होती है, मैं और आप तो नहीं होते ना, साजिद साहब होते हैं। तो ये अगर चीज हम कर जाते तो शायद इससे फायदा होता। ये हम यूनाइटेड नेशन में जाके और हर साल अपना एक याद मनाते हैं, कभी 5 फरवरी को मना लेते हैं, कभी कब मना। मैं कहता हूं कि यार आप करें, मैं कहता हूं अगर मेरे मुल्क के अंदर कोई चीज ऐसी हो रही है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, कुछ और चीजों के हवाले से, यार इंडिया उस पर बात करे। अगर वहां कोई हो रही है पाकिस्तान एज ए ह्यूमन हम बात करें, ये नहीं है कि मैं कहूं कि यार मैंने तो हिंदुस्तान को नीचे दिखाने के लिए या उसको थोड़ा सा वो करने के लिए मैं ये सारा कुछ करूं, इस वजह से ना करें। मैं अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है तो मैं उस पर बात करूं, लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं कहूं कि मैंने तालिबान को मतलब गंदा करना है पूरी दुनिया में क्योंकि किसी ने रिकग्निशन और वो नहीं दी, इस वजह से नहीं। मैं सिर्फ इस वजह से कि हाँ यार वहां पे फीमेल्स को यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया जा रहा, एक उनका एक जेन्युइन कंसर्न है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इसी तरीके से कश्मीर, इस तरफ की कश्मीर की बात हो या उस तरफ के कश्मीर की बात हो या बाकी दोनों कंट्रीज की बात हो, जो जेन्युइन इश्यूज है उस पर बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरा ख्याल कोई वास्ता कोई और चीज नहीं है। बेशक ताल्लुकात हम रखते हैं या नहीं रखते आपस में, वो किसी की अपनी मर्जी है, वो हम हिंदुस्तान को नहीं फोर्स कर सकते और हिंदुस्तान यकीनन हमें नहीं फोर्स करेगा इस चीज के ऊपर कि नहीं नहीं आपने हमारे साथ अच्छा ताल्लुक रखना। बिल्कुल ठीक, लेकिन साजिद साहब यही चीज मैंने आपसे भी मैं पूछूंगी कि अभी तक दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से कश्मीर के ऊपर एक इंच भी नहीं ले पाई हैं, बात भी की है, झगड़े भी किए हैं, स्ट्राइक्स भी किए हैं, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाया। तो आपके ख्याल से क्या हल निकलेगा, क्योंकि कोई थर्ड पावर भी इसमें नहीं आ रही। अब तो आप लोग खैर वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं कि जो मॉल बन रहे हैं और यूएई और दूसरे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चले वो एक अचीवमेंट कही जा सकती है आपकी, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो अभी तक एक इशू बना हुआ है भारत के लिए, ये कैसे हल होगा? देखिए आरजू जी, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तब उनने जब मोदी साहब भी जब कहीं फॉरन में होते तो उनने ये डिसाइड किया था, मोदी साहब विदाउट एनी पूछने के बगैर या कहीं इंडिया में किसी को भी नहीं पता था उस टाइम के, नवाज शरीफ साहब के इन्विटेशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो पाकिस्तान जा रहे हैं, एंड इट वाज ऑल ऑफ सडन, ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं था, ये सब चीजें पहले डिसाइड नहीं था। लेकिन एक चीज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक मुझे लगता है एक इनिशिएटिव उठाया था उस टाइम कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा के उस टाइम वो नवाज शरीफ साहब के साथ चले गए थे, तो मुझे लगता है वो इंडिकेशन था। अगर उनके दिल में ऐसा कुछ होता कि वो चाहते थे कि हमारे जो दो मुल्कों के जो रिलेशन है वो खराब रहे, तो मुझे लगता है वो उस टाइम वो इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको याद दिला दूँ कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, रजत शर्मा जी को बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि ऐसा क्या हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं कर पाए उस टाइम। उनके उनका जो आंसर था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से ये जब सवाल पूछा गया तो उनका एक आंसर था, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही उनका एक आंसर था। उनने कहा हमने एक पहल की थी क्योंकि मैंने बिना पूछे किसी से पूछा वहाँ नहीं गया था, या हमने जो अपने उनके सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे कोई कंसल्ट नहीं लिया था विदाउट, जैसे नवाज साहब ने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ आइए तो हम वहाँ चले जाते हैं, इस्लामाबाद हम चले जाते हैं, तो मैंने कोशिश की थी। लेकिन उस कोशिश अभी कुछ ही दिन हुए थे उस कोशिश को, तो वहां से पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक कर लिया। तो ये चीज दर्शाता है, एक साइड से आप ये कहते हैं कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, एक साइड से आप ये कहते हैं कि आपके मुल्क में भी प्रॉब्लम्स है, हमारे मुल्क में भी प्रॉब्लम्स है, हम उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, हम अपने मुल्कों की लोगों की बहबूदी के लिए हम काम करें। लेकिन दूसरी साइड से आप क्या कर रहे हैं, एक आप तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे लेकिन पीछे से आप वार भी पहुंचे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक साइड से पीस चाहते हैं और दूसरी साइड से आप छुरा घोपेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यही चीज जब हुई कश्मीर के बारे में हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कोशिश की हुई थी ये सब चीजें इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ उस टाइम कि पुलवामा अटैक हुआ, उसकी वजह से क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बल्कि हमारे देश के जितने भी यहाँ पे लोग थे किसी भी सेक्ट से ताल्लुक रखते थे उनमें एक आक्रोश था, उनमें एक गुस्सा था इस चीज को लेके कि हमने एक पहल ली थी। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो कभी अपनी मैं कह सकता हूँ नीतियों से बाज नहीं आता, एक साइड से ये कहता है कि सीज फायर होना चाहिए, एक साइड से ये चीज कहते हैं
कि दोस्ती का हाथ हम बढ़ाएंगे, लेकिन पीछे से क्या कर रहे ये लोग, क्या पुलवामा अटैक इन लोगों ने किया। और पुलवामा अटैक आपको याद होगा, जब पुलवामा अटैक हो उसमें हमारे 40 हमारे जवान थे वो शहीद हुए थे उस टाइम। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, एक साइड से एक चीज है आप हमारे जवानों को मार रहे हैं, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूं मैं, वो एक साइड से हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, इवन हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं, और दूसरी साइड से ये दावा करते हैं कि इंडिया कैन हैव अ पीस टॉक्स विद पाकिस्तान। एक चीज साजिद साहब, मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगी से पहले के फखर की तरफ जाऊं। फखर, वैसे आपके लिए भी तकरीबन यही क्वेश्चन होगा जो अभी मैं उनसे पूछने लगी हूँ, ये कि अगर इतनी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ भारत में और कश्मीर में, तो जब कभी प्रोटेस्ट होते हैं कश्मीर में तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? पाकिस्तान का फ्लैग अगर कुछ लोग जो है वो हमें नजर आता है, जो न्यूज आती है यहाँ पे, आप ही बता सकेंगे कहाँ तक सही है? ऐसा क्यों होता है कि लोग पाकिस्तान का नाम लेने लग जाते हैं? और यही चीज भगत जब आपकी तरफ आऊंगी तो यहाँ पे भारत का नाम लिया जाता है, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता, तो क्या कहेंगे साजिद साहब आप? देखिए आजू जी, आपकी बात बिल्कुल 110% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2019 से पहले मैं आपको बता दूं, इवन 5 अगस्त नहीं, मैं आपको कहूंगा 4 अगस्त तक, 4 अगस्त तक ये सब चीजें होती रहती थी कश्मीर वास, ये कोई नई बात नहीं थी कश्मीर। आई विल टेल यू व्हाई एंड ऐसा होता क्यों था, ये भी बताऊंगा आपको। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कश्मीरी एक माइंडसेट जो है पिछले 30 साल से, ये चीज हमें बताया गया कि फॉर्ज, मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पाकिस्तान के या पाकिस्तान में कोई आपके पास फॉर बिजली नहीं होगी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि आप क्या है, आप बताएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप अगर आपके दिल में दिमाग में एक आक्रोश है किसी डिपार्टमेंट को लेके, बिजली महकम के रिलेटेड आपको, दैट डजंट मीन कि आप दूसरी देश का आप ये नारेबाजी करेंगे। तो ये सब जो इकोसिस्टम है कश्मीर में पिछले 30 साल से चल रहा है, और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि कश्मीर में 5 अगस्त से पहले इकोसिस्टम था, एटमोसफियर था, उस एटमोसफियर में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, मुझे लगता है कि अगर उनकी शमूलियत, वो चाहते थे नहीं आना, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ड्यू द फियर ऑफ गन कल्चर इन द कश्मीर वैली, वो लोग भी इन्वॉल्व होते थे इस चीज में। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि उस टाइम जो आप ताकतें कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तानी फ्लैग्स आपको जाहिर हुए थे उस टाइम, लेकिन क्योंकि रीजन इस चीज का है कि आप उस टाइम क्या है, मीडिया जो है उन लोगों पे फोकस करते थे जो लोग पाकिस्तानी फ्लैग लगाते थे। लेकिन आज आपके ये बता दूं कि उस टाइम क्या है, हार्डली, मतलब आई कैन काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स कि 10 लोग 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हजारों की तादाद में कश्मीरी जो आवाम है वो हिंदुस्तान का झंडा भी उठाते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, और रिसेंट की एग्जाम्पल देता हूँ, जब यहाँ डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था कश्मीर में, पुलवामा में एक रैली निकली, उसमें कहा हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, डिमोलिशन ड्राइव बंद करो, एक हिंदुस्तान का झंडा लेके वहाँ के लोग जो थे, पुलवामा के लोग जो थे, उनने एक रैली निकाली हिंदुस्तान का झंडा लेके। तो दैट मीन्स उन लोगों ने, क्योंकि वो एक साइलेंट मेजोरिटी जो थी वो 2019 से पहले वो दब गई थी, डर के मारे दब रही थी, तो उस वक्त क्या है जो एंटी नेशनल ताकतें जो है उनकी आवाजें बाहर निकल रही थी, और मीडिया उनको प्रोजेक्ट कर रही थी, ग्लोरीफाई कर रही थी, उसकी वजह से आपको वो ताकतें नजर आई। अब फर्क इतना एक है कि आज की डेट में अगर आपको देखते वो भी ताकतें, उस टाइम अगर आपको 10 लोग 100 लोग दिखते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज उन लोगों की कोई आपको प्रेजेंस नजर नहीं, उन लोगों की आपकी प्रेजेंस नजर आई, क्योंकि वो एक हैंडफुल लोग थे जो लोग ये चाहते थे। मे बी उनका कोई अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकता है, या कोई किसी ना किसी जमात के साथ उनकी एफिलिएशन थी, तो वो सब चीजें थी। अगर उनमें इतनी सेंटिमेंट्स थी, आज वो सेंटिमेंट्स उनकी गई कहाँ? क्या ऐसा आपको लगता है कि 2000 आर्टिकल 370 के साथ वो सब चीजें खत्म हो गई? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी झंडा जो था, आपने कहा जैसे पाकिस्तान साहब ने जिक्र किया 35A और 35 का 370 का, दैट मीन्स ये सब चीजें जो पाकिस्तानी वहां पे ताकत थी कश्मीर में, क्या सिर्फ 370 के साथ ये एसोसिएशन थी? अगर 370 के साथ एसोसिएशन तो मोदी साहब और अमित शाह साहब ने तो अच्छा कदम उठाया फिर 370 को हटा के, क्योंकि वो ताकत आज कहीं हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यही बात अगर मैं फखर आपसे पूछूं कि जैसे साजिद साहब ने कहा कि उस वक्त का मीडिया दिखाया करता था, अगर मीडिया दिखाएगा तब क्या सच्ची बात होगी, या अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तब वो बात सही होगी? और हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलता है, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलता है, बलूचिस्तान में भी होता है, कश्मीर में भी होता है, हमारे मीडिया को परमिशन नहीं है दिखाने की, तो क्या हम ये समझें कि वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पे भी लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी नारा लगाते हैं भारत के झंडा उठाने की, तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल के
किसी में इतनी हिम्मत है कि वो, क्योंकि डरते हैं जाहिर है गवर्नमेंट से, मगर बहरहाल लोग शोर मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ और हर जगह बलोचिस्तान वगैरह में, लेकिन क्या मीडिया नहीं दिखाएगा तो बात बदल जाएगी? देखिए अर्जु, प्रोटेस्ट करना एक बेसिक राइट है किसी भी सिटीजन का, किसी भी दुनिया के सिटीजन का, सिर्फ कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात नहीं है, किसी का भी ये राइट है। आप उस राइट को कितना दबाते हैं, किस तरीके से दबाते हैं, बंदूक के जोर पे दबाते हैं, आप उसके लिए कोई नए लॉज बनाते हैं इस किस्म के कि आप उसके ऊपर दबाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पीका एक्ट बना कि आप जर्नलिस्टों को घेरने के लिए बनाया गया, हुआ क्या? लोग चुप हो गए? नहीं होते। दूसरी बात, आपने बलूचिस्तान की एग्जांपल दी, मीडिया नहीं दिखाता। मेरे साउदर्न बलूचिस्तान में बेशुमार मेरे दोस्त रहते हैं, यार वो मीडिया अगर नहीं दिखाएगा उससे ज्यादा वो सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज चल रही होती तो क्या आप वहां पे सोशल मीडिया को बैन कर देंगे? आप उनके अकाउंट सस्पेंड कर देंगे? क्या कर लेंगे? बरामदाग बुक्टी का सोशल जो अकाउंट है आज भी वो चल रहा है, मरी का अकाउंट स्विट्जरलैंड में वो रहता है, वो आज भी पाकिस्तान में, मैं खुद उसके उस पर कमेंट करता हूँ और सारी चीजें करता हूँ, आप क्या करेंगे उसको? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने, अगर मुझे कोई फेवरेबल है, मुझे कोई मेरा फेवरेट है तो वो ठीक है, अगर नहीं है वो गलत है। इमरान खान साहब की मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा, जिस तरह के उसके फॉलोअर्स जो कहते हैं कि उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई और पॉलिटिकल वर्कर है, ना किसी और की सोच हो सकती है कि भाई ये गलत और ये सही है। सेम लाइक दैट मैं कश्मीर की बात करूंगा। साजिद साहब ने कहा कि जी मीडिया, मीडिया सबसे बड़ी बात ये होती है कि मीडिया को मेरे ख्याल में मेरे पाकिस्तान का भी दिखाना चाहिए और उसको हिंदुस्तान का भी दिखाना चाहिए। अगर कोई जर्नलिस्ट ये नहीं कर सकता, वो अपने आप को जर्नलिस्ट ना कहे, वो किसी का वर्कर कह दे, किसी पार्टी का वर्कर कह सकता है, वो अपने आप को जर्नलिस्ट ना लिखे। जर्नलिस्ट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो हर उस चीज को दिखाएगा जो वहां पे हो रही है। वो मैंने कहा ना कि वो यहां हो रही है या कहीं और हो रही है। अगर आप ये कहेंगे कि हम लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा देंगे और लोगों की सोच इससे तब्दील होगी तो फिर बलूचिस्तान में 1954 में पहला ऑपरेशन हुआ था, अब 2023 है, क्यों नहीं? उसके बाद दो उनकी नई नस्लें आई हैं, हम सोच चेंज कर सके उनकी, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों की हम सोच चेंज कर सके, अफगानिस्तान के लोगों की, तालिबान आए हैं अभी तो तालिबान उनको रोक सकते हैं। आज भी आरजू काबुल के अंदर प्रोटेस्ट आज भी होते हैं, इतनी सख्त हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत उस मतलब लेवल की सख्त हुकूमत नहीं हो सकती जितनी की तालिबान की है। वो तो मिसालें लोग देते हैं, कुछ सच है कुछ झूठ भी है, कुछ दुनिया उनको वो करती है और कुछ होता भी है हकीकत। मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ लोग झूठ बोलते हैं उनके हवाले से, है ये चीजें। ये सेम लाइक दैट अगर आप ये कहते हैं, अच्छा आप वहां पे अगर किसी को कुछ करने ना दें, किसी जर्नलिस्ट को काम ना करने दें, तो फिर वो कैसे दिखाएगा मीडिया? और आप कहें मीडिया को कहे कि आपने ये चीज दिखानी और ये नहीं दिखानी, तो फिर ये आप इसको डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल मैं कहूंगा नॉर्थ कोरिया, चाइना या इस तरह की जो, लेकिन प्रोटेस्ट तो हमारे कश्मीर में भी हो रहे होते हैं ना, मैं कहता हूँ दिखाना चाहिए ना आरजू। मैं ये मैंने आपको बलूचिस्तान का कहा, कश्मीर से ज्यादा मैं कहता हूँ बलूचिस्तान ज्यादा सेंसिटिव है। मैंने कहा कि अगर वहां पे होते हैं, यहाँ पे हमारे जो बड़े अच्छे भाई हैं मंजूर पश्तीन साहब, उनके प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद के अंदर जब 2018 में पहली दफा आए थे तो मैंने खुद उसको कवर किया था। आपको क्या लगता है कि आज उसके पाकिस्तान में जियो न्यूज उसका प्रोटेस्ट दिखा रहा था नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी तकरीबन दो हफ्ते पहले? क्यों पहले नहीं दिखाता था? लेकिन आज मजबूर हुआ, लोग मजबूर हुए। जिस वक्त मोहसिन दावर फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते थे तो पीटीवी उसको बंद कर देता था, लेकिन आज उसकी बात बाकायदा डॉन में, द न्यूज में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उसकी स्टोरी छपती कि उन्होंने ये बातें की। सर जब आप ये करेंगे ना तो आपकी सोसाइटी आरजू तब बनती है। मैं अगर आप कहेंगे ना सोसाइटी को कि मेरी मर्जी के मुताबिक बन जाए, यकीन करें वो सोसाइटीज कभी भी नहीं चल सकती। हमने जनरल ज़िया ने हमारे ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया था। आज वही जनरल ज़िया का, वो जिसे कहते हैं ना लोग कहते हैं कि इसको फैसल मस्जिद से उकाड़ के फेंक दो, क्यों जनरल ज़िया को? आरजू ये नफरत की एक वजह होती है ना कि लोगों के अंदर, लेकिन चीज को साइड पे फेंक रहे हैं, गलत चीज का गलत अंजाम होता है, कुछ उसका फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं साजिद साहब आपसे ये पूछूं कि पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और फिर उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो क्या फर्क आपने देखा? ये तो ठीक है कि 370 हट गया और इस किस्म की बातें हुई, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो कि इस वक्त बेटर हुई है और उससे पहले इतनी बेहतर नहीं थी? देखिए एक चीज, कांग्रेस के टाइम ऐसा था कि ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कांग्रेस की जो है हर कोई नीति खराब थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस अच्छी पार्टी थी ही नहीं, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ नहीं।
ठीक है, कांग्रेस की भी अपने, मैं कह सकता हूँ, लूप होल्स थे अपने, या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, नेगेटिव भी थे, बहुत हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक चीज मुझे लगता है कि उनकी नीति एक चीज थी जो पिछले 70 साल से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट की, और वो 70 साल के मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब ने उन चीजों को नहीं रोकी और 70 साल चले थे, आई विल गिव एन एग्जांपल। अब कांग्रेस की क्या नीति थी, एक चीज कांग्रेस ये कहता था कि इफ समबडी इज टेररिस्ट, ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं, आप टेररिस्ट रहिए, आप हमसे हाथ भी मिलाइए, लेकिन फर्क इतना है हमारी सरकार भी चलने, हम आपकी सरकार चलने देंगे। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, क्या JKLF के जो जो चीफ थे यासिर मलिक, क्या उनने कन्फेस नहीं किया कि मैंने ये ऑफिसर्स को, इंडियन फोर्स के ऑफिसर्स को, मैंने 6 लोगों को मारा? क्या उनने कन्फेस नहीं किया कि हमने कश्मीरी पंडित को मारा? अब जो मारने वाला होता है जब खुद कन्फेस कर रहा है, दैट मीन्स ही इज नो मोर अ सिविलियन, ही इज अ टेररिस्ट। अब एक टेररिस्ट के साथ प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह उन यासिर मलिक से मुलाकात करते हैं, उनको अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेते हैं। अब एक टेररिस्ट की जब एंट्री होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तब आप खुद सोचते हैं कि सरकार किस टाइप की होगी उस टाइम। आज के टाइम पे क्या है, एक मोदी साहब की सरकार में वो ये कहते हैं कि हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्क इतना है अगर आप हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, वी विल नॉट स्पेयर यू। आज के टाइम पे ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये एक मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कहते हैं कोई जो सिविलियन होगा आप उसको छेड़िए ना, लेकिन जो कोई बदमाश होगा उसको आप छोड़िए ना। दिस इज द नीति ऑफ बीजेपी। अब बीजेपी के टाइम पे क्या एक चीज, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जब भी ये सब चीजें हुई थी, किलिंग्स हुई थी, जैसे JKLF का मैंने जिक्र किया, वो तो बीजेपी के टाइम नहीं हुआ था ना, वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, लेकिन सजा कब मिली उसको, बीजेपी के टाइम पे, क्योंकि रीजन बींग इज क्योंकि बीजेपी इस चीज को मानती है कि जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। लेकिन एक चीज है, जब उनके सरकार, उनने सबसे पहला फैसला क्या किया, जितने भी एंटी नेशनल से जिनने देश को खोखला कर, एक साथ से मैं ये मानता हूँ कि क्या बोलते हैं, JKLF जो है एक चीज है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो बता रहे, ये अमानतुल्ला खान जो है JKLF के जो चीफ है जो पाकिस्तान में आज, वो ये बताते हैं, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, मैंने उनकी इस चीज में पढ़ी है, वो ये चीज बताते हैं कि हमने जी जो यासीन जो है, ही इज नो मोर नाउ पाकिस्तानी, ही इज नो मोर नाउ JKLF, ही इज एसोसिएटेड विद इंडियन एजेंसीज, तो उसको निकाल के उन लोगों ने बाहर फेंक दिया। तो ये चीज दर्शाता है कि एक साइड से क्या है, ये लोग इल्जाम फरोशी कर लेते हैं, दूसरी साइड से जब इनको लगता है कि नहीं, ये जो हमें पावर चाहिए, अब हम पावर के बुनियाद पे किसी को भी हम कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन JKLF का जो है ये यासिर मलिक, वो कन्फेस करके बताता है मैंने किलिंग कर ली, अब उस चीज पे मोदी साहब ने एक्शन कर लिया, तो मोदी साहब को डिक्टेटर बताया जाता है। अभी फकर साहब ने जिक्र कर लिया, मीडिया के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बता दूं फकर साहब, आपने कहीं दुनिया में ऐसा सुना है क्या कि कोई मीडिया वाला जो है रास्ते में चल रहा था, कहीं कहीं चेकिंग चल रही थी, तो जब उनकी चेकिंग हुई तो उनके जेब से लाइव ग्रेनेड बरामद हुई, क्या आप उसको जर्नलिस्ट मानेंगे या क्या मानेंगे आप? अगर उसको मैं आपको कहेंगे कि कोई ऐसा मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए लॉयर, मैं आपको बता दूं आज की डेट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कोर्ट जा रहा हूं, लेकिन एक चीज है, मेरे जेब से तलाशी करने के बाद मेरे जेब से बंदूक निकलती है, आप मुझे वकील मानेंगे या दहशत गर्द मानेंगे? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे खैर मैं एक सवाल और साजिद साहब से पूछना चाहूंगी, फखर फिर आपकी तरफ आती हूँ, और वो ये कि अगर आपके यासीन मलिक को पकड़ा जाए और उसने वो मान भी लिया हर बात, और मैं कहती हूँ बिल्कुल अगर कोई इस तरह से है, टेररिस्ट है, तो बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान वाले कुलभूषण को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसने भी सब कुछ मान लिया, अपनी बयान में कहा है कि हाँ जी मैं पाकिस्तान में था, तो जी सेकेंड करूंगा, क्योंकि साजिद साहब खुद लॉयर है, मैं तो लॉयर नहीं हूं, वैसे ही कुछ वकील दोस्तों के साथ उठना बैठना है, और अगर आप कॉन्फेस करते हैं और पुलिस की कस्टडी में करते हैं तो अदालत में वो चीज नहीं मानी जाती, ये तो मेरे ख्याल साजिद साहब से बेहतर कोई नहीं जानता, कुलभूषण का ये यही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी के ऊपर भी अप्लाई होता है, वो यासीन मलिक हो, वो XYZ कोई हो, फखर यूसुफ जई हो, साजिद यूसुफ साहब हो, या आरजू काजमी साहब हो, ये सब के ऊपर ये चीज रूल अप्लाई होते हैं। और दूसरी बात, उसने मैंने तो ये सुना है कि उनका कोई लॉयर भी पेश नहीं होता, उसने कहा मैंने नहीं कुछ करना, मैंने डिफेंड ही नहीं करना अपने केस को, ये भी एक पॉइंट है, साजिद साहब शायद हमारी रहनुमाई कर सकते हैं।
बिल्कुल, और साजिद साहब लॉयर हैं तो बिल्कुल, मैं फिर सनी एग्जैक्टली देओल, फिर सनी देओल को भी जरूर देखते होंगे आप, और वो तारीख पे तारीख, और तारीख पे तारीख वाले सनी देओल। तो पता नहीं क्या इसका लग रहा है तारीख में आपको? तारीख होती है कि नहीं होती, ये भी ये खुद बता सकते हैं, हमारे तो यहाँ तो आप बहुत क्या होती है। कहेंगे दोनों केसेस को अगर आप देखें तो आपको क्या लगेगा कि एक जैसे ही देखिए, हैं? आपने जिक्र किया जेकेएलएफ का, मैं ये मानता हूँ कि ये कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी कन्फेस जो है जो पुलिस स्टेशन में लिया जाए उसको कन्फेस नहीं बोल सकते, उसको कोई स्टेट पर नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा जब जज के सामने आपको खड़ा किया जाता है विद इन द 24 आवर्स, जब सबसे पहले आपसे कोई सवाल पूछता, वो आपसे पूछता है कि आपने जो कन्फेस किया क्या कोई मारपीट से हुआ, कोई जबरदस्ती किया गया, आपको फोर्स किया गया, ये सब चीजें उससे पूछी जाती है, प्लस मेडिकल टेस्ट भी उनका किया जाता है ताकि उनसे कोई मारपीट ना हुई हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि ये चीज जो है पुलिस, आपने कुलभूषण यादव का आपने जिक्र कर लिया, मैं आपको बता दूं यासिर मलिक जो है, एक तो वो बता रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके दूसरे भी उनके बहुत सारे ऐसे सहयोगी थे, इशफाक मजीद थे उनके साथ, या हाशिम कुरैशी थे, या बहुत सारे इनके लोग थे, क्योंकि मैंने इनकी किताबों में ये सब चीजें पढ़ी है, वो खुद बोलते हैं हाँ वी वेयर इन्वॉल्व। मैं आपको बता दूं कि कुछ रिसेंटली मेरी पाकिस्तानी कोई चैनल पे डिबेट चल रही थी, तो जेकेएलएफ के कोई थे, आई डोंट रिमेम्बर, स्पोक्स पर्सन थे, मेरे से डिबेट कर रहे थे, वो कह रहे थे हाँ हम मानते हैं ये सब चीजें हमारे से गलती हुई, उन्होंने खुद कन्फर्स किया कि हाँ ये सब चीजें हुई है। अब यासिर मलिक की चीज क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल बता दू, आप जब ये कह रहे हैं ना कि यासिर मलिक जेल में है तो कुछ भी कन्फेस कर सकते हैं ये, लेकिन यासिर मलिक ने ये चीज कन्फेस पता कब किया, जब उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने जी ये मारा, आज के बाद में गांधीवादी बन गया, ये उनके स्टेटमेंट है, जब वो जेल जाने से पहले की बात है, वो कहते हैं हाँ मैंने मारा, आज के बाद में नॉन वायलेंस बिलीव रखता हूँ, अब मैं टेबल पे बात करूँ, अब मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, अब वो ये कन्फेस पहले से कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, आप मार के ये चीज कह रहे हैं कि अब कल की डेट में मैं कोई मर्डर कर लूँ, फिर उसके बाद कहूँगा आज के बाद में गांधीवाद बन गया, क्या आपको लगता है कि जस्टिस होगा, या जिन लोगों कश्मीरी पंडित का जो कत्ल हुआ आपको लगता है उनके लिए इंसाफ होगा, कल की डेट में मैं किसी को चाकू छुरी से मार के ये बता दूं कि मुझसे गलती हो, आपको लगता है कि आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाए, नहीं कर पाएंगे। ये लोग वही जानते हैं जिनका अपना कोई लव्ड वंस या कोई अपना प्यारा माँ बाप जिनसे छीना गया, आज के डेट में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे ये कहते हैं कि ठीक है हमने यासिर मलिक को माफी कर दी, आपको लगता है कि ये उनके लिए जस्टिस होगा, नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले अगर किसी की किलिंग हुई ना, यहाँ पे एक एडवोकेट हमारे एक चीफ जस्टिस होया करते थे टीपालाल टिकलू, उन्हीं की जो सबसे पहली जो किलिंग है वो लाल चौक में उन्हीं की हुई थी, जो कि यासिर मलिक ने की थी, जो कि खुद बताते हाँ सबसे पहला किलिंग अगर मैंने की क्योंकि मैंने उन्हीं की। तो ये सब सीरीज ऑफ जीव, मैं आपको एक बता दूं, आप भी एक औरत है, और मेरे को एक बहन का याद आ रहा है, हमारी एक बहन थी एक सरला भट्ट, उसको पता उसके साथ क्या किया गया, उसके साथ जेकेएलएफ के 6 टेररिस्ट थे, पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर जो लकड़ी काटने की मशीन होती है उसमें से उसको डाला गया, चीरा गया उसको। आप बताइए कि डू यू एक्सपेक्ट दुनिया की कोई कानून जो है उस चीज को जस्टिफाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब जहां तक कुलभूषण यादव की बात है, मैं आपको बता दूं कि ये हर किसी को पता है, वी नो वीच ईच एंड एवरीथिंग, मैंने आपको अभी इसके पहले जिक्र कर लिया, एक साइड से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हाथ मिलाने की कोशिश की, पीछे साइड से पुलवामा हुआ, और वी नो पाकिस्तान की नीति हमें पता, एस्टेब्लिश कैसे काम करते, वो किसी को बख्शते नहीं है। हमने ये भी देखा है पाकिस्तान में जितने भी प्रोटेस्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे, हमें ये भी पता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करे उसके साथ क्या होता है। जहां तक ताल्लुक है कश्मीर के बारे में बात करूं, आप ये कह रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे थे, मीडिया को फ्रीडम होनी चाहिए, मैं आपको कहता हूं जितनी फ्रीडम मैंने यहाँ की कश्मीर मीडिया में देखी उतनी किसी में नहीं देखी। आपने दुनिया की कौन सी ऐसी ताकतें देखी है कि आप किसी जिक्र में, आपको कहता हूँ कि आप एक साइड से खुद को दावा करते हैं कि मैं मीडिया वालों, दूसरी साइड से आप पनाह दे रहे हैं टेररिस्ट को अपने घर में, डू यू जस्टिफाई दीज थिंग्स। मैंने फाकर साहब से एक सवाल किया था अभी, और मैं चाहता हूँ फकर साहब इस चीज का आंसर दे। मैं फकर साहब ये चीज कहता हूँ, कल के डेट में आपने कहा मैं आप यू आर जर्नलिस्ट, आप सहाफी हैं, कल के डेट में आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी जा रहे हैं और आपकी जेब से 2 लाइव ग्रेनेड पकड़ रहे हैं, डू यू थिंक कि आपको उस टाइम हम सहाफी मानेंगे या टेररिस्ट मानेंगे? देखिए, एक तो साजिद साहब टेररिस्ट की जो डेफिनेशन है ना, दैट इज बिल्कुल डिफरेंट है, वर्ल्ड वाइड भी जब डेफिनेशन है टेररिज्म की वो अलग है, और हम जब इसको हमारे यहाँ ATA है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान में किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी हो तो कहते ATA लगा दो, ATA लगा दो। मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मुझे अगर कोई चीज़ वो करनी है तो कहते यार ATA टोक दो इसके ऊपर, बस ठीक है काम हो जाएगा। मेरे गाड़ी में, मैं कहता हूँ, एक लाइसेंस वाली गन मेरी गाड़ी में पड़ी होती है, ठीक है, ऑल पाकिस्तान लाइसेंस के साथ वो मैं लेके फिरता हूँ, लेकिन उस लाइसेंस की, मैं कहता हूँ कि उस लाइसेंस को, उस गन को जो एक मतलब लाइसेंस है मेरे पास उसकी, लेकिन उसको किसी और चीज में, रॉकेट लॉन्चर, LMG और इस तरह की चीजों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी एक चीज होती है। फिर दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि मैं
किसी भी जगह टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कोई करे, वो आपके कश्मीर के अंदर कोई करे, इस कश्मीर के अंदर कोई करे, या दुनिया के किसी और जगह पे करे, मुझे एक जैसी तकलीफ उसकी होती है कि किसी इनोसेंट लोगों को हिट करना, किसी भी सूरत उनको तंग करना, ये किसी को अलाव नहीं है। ना फखर यूसुफ जई को अलाव है, ना साजिद यूसुफ साहब को अलाव है, ना और किसी एक्स वाई जेड को अलाव है कि वो किसी भी एक इनोसेंट को तंग करे या मारे पीटे। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि जर्नलिस्ट, मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं कहता, लेकिन सिर्फ वो तो नहीं होंगे कि उनके जेबों से ग्रेनेड निकल रहे होंगे, आपके यहाँ बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं, गालिबन रियाज नाम है जो बीबीसी के लिए काम कर रहे हैं श्रीनगर से, मैं उनकी वीडियो रिपोर्ट्स में उनकी देखता हूँ, बिल्कुल रियाज मंसूर, ठीक है मसरूर सर, उनकी मैं वीडियो रिपोर्ट देखता हूँ। आपकी एक मतलब लड़की थी, फोटो जर्नलिस्ट थी अमेरिका में, उसको अवार्ड के लिए नामजद किया गया, और जब उनको बुलाया गया तो कहते यार इसको ना जाने दें। ये देखें, ये इनसिक्योरिटीज हमें क्यों जी मामे, हमें ये इनसिक्योरिटीज क्यों है? अगर मेरा कोई बलूचिस्तान का जर्नलिस्ट है तो मैं उसके ऊपर क्यों बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि मुझे शक क्यों होता है उसके ऊपर कि ये पता नहीं कि ये किसी और के लिए काम कर रहा है? यार व्हाई फॉर गॉड सेक, हम इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हमारे यहाँ हमारे, और मैं कहता हूँ कि बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे आगे क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए आगे है कि आज जो बाइडन को जो टफ टाइम वहां पे वहां का मीडिया देता है, मतलब मैं कहता हूँ जितना जलील उनको किया जाता है, या अमेरिकन प्रेसिडेंट को, किसी को भी वहां का मीडिया करता है, या बीबीसी हो गया उनको, मतलब अपने टोनी ब्लेयर की मिसाल ले लें, जो बोरिस जॉनसन की मिसाल ले लें, किसी और की ले लें, उनको जो टफ टाइम मिलता है, यकीन करें हम शायद हम सोच भी नहीं सकते, वो क्यों करते हैं? किसी को ये नहीं होता कि यार वो कहे कि यार इसको तो ताला लगा दो, ये मेरे खिलाफ कैसे बात कर रहा है? बेशक वो बात गलत भी हो, लेकिन मीडिया को ताला लगा के जर्नलिस्टों के ऊपर क्रैकडाउन करके इससे सोसाइटी फ्लरिश नहीं करती। कोई अगर ये कहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कहीं पे वो मेरी सोसाइटी हो या आपकी सोसाइटी हो, हाँ फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है। मैंने कहा ना जनरल जिया ने 11 साल किया, वेयर इज जनरल जिया? एक उसका बेटा है इजाजुल हक, उसको भी कोई नहीं पूछता, उसका कोई जगह नहीं है, कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है उसकी, यार कहां से वो इलेक्शन लड़े, कभी इधर पैर रहा होता है, कभी उधर पैर रहा होता है। जनरल जिया के कब्र के ऊपर लोग मुंह मोड़ के जा रहे होते हैं फैसल मॉस्क, मैं खुद ये करता हूं। सर बात यह कि उसकी वजह सिर्फ यह कि उनका कोई मेरे साथ पर्सनल तो नहीं था ना जनरल जिया का, लेकिन उसने पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान की सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक चीज है फखर के, जनरल जिया के साथ ये सब कुछ जरूर होता है, लेकिन 11 साल जो नुकसान उसने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, वो मेरा ख्याल है कि अब सही करने में कई सौ साल लगेंगे, जो डैमेजेस आ चुके हैं उसमें से। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ कि जब आप सोसाइटी को खराब कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि एक्सट्रीम किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता, वो कहीं पे भी आ जाए। और आप जब वन साइडेड हो जाते हैं, आप कहते हैं कि यार किसी और का तो पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं हो सकता, मेरा है बस, मैं इसके बाद कोई नहीं है, मैं कहूँ जी मंजूर पश्तीन क्यों क्वेश्चन करें, मैं कहता हूँ जी बरामदाग बुक्टी क्यों सवाल करें, मैं कहता हूँ जी बालाच मरी क्यों सवाल करें, क्यों ना करे सवाल भाई, जो उसका राइट है वो करे सवाल। हाँ मैं ये नहीं कहता कि वो जाके पाकिस्तान का फ्लैग जलाना शुरू कर दे, या कोई उठ के इंडिया का फ्लैग जलाना शुरू कर दे, या कश्मीर के अंदर पंडित को या किसी और एक्स वाई जेड को इनोसेंट लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दे, ये किसी को राइट नहीं है, उसके लिए उनकी फोर्सेज मौजूद है, उनकी इंटेलिजेंस वो काम कर। बिल्कुल, लेकिन लास्ट कमेंट मैं साजिद साहब आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे आपके किस तरह से ये मसला हल हो सकता है? और ये एलिगेशंस तो हम एक दूसरे पे हमेशा से लगाते आए हैं, और दोनों ही अपनी जगह खुद को ठीक समझते रहे। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि फकर साहब की बात, क्योंकि ऑडियंस जो है, मैं नहीं चाहता वो गुमराह रहे या उनको आधी सच्चाई पता चले। आपने जिक्र जिन औरत का किया, उनका नाम मसर जहरा है, और मैं आपको बता दूं, काश मैं चाहता कि इस फोन में आपको दिखा पाता कि वो किस बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि मैंने थोड़े रिसर्च किए उन पे, क्योंकि जो मेरा ताल्लुक है एक तो लॉ से है, और मैं खुद मीडिया से भी ताल्लुक रखता हूँ। मेरा हर बार ये चीज़, जब भी कोई चीज़ आती है, मैं पहले उसका रिसर्च करता हूँ, मैं आधी बात नहीं करता। मसर जहरा का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बता दूँ कि उसके जो 2019 से पहले, अगर आपने उनके पोस्ट देखे होंगे, ट्वीट देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, शी वॉज ग्लोरिफाइड बुरहान वानी, she was glorified terrorism, she was mentioning Indian occupied Kashmir, she was saying ki hum Pakistani hai, Pakistan hamara hai, she was glorifying Zakir Musa, she was just glorifying this activities of Saeed Ilyas Gilani. I have all the posts, I have all the screenshots, aisa nahi hai rhetoric baat kar raha, mere paas screenshots padhe hue hain. isliye ek cheez important kya hai, dekhiye ek cheez jo aapko sachai dikhai jati hai Pakistani media mein, one side dikhai jati hai, aapko dusra angle nahi dikhaya jata hai. Saaj sahab, maine ye Washington Post mein article padha tha Pakistani media ki, main bilkul baat nahi karta, I am part of the Pakistani media, lekin international media ke liye main kaam bhi karta hu, usko padhta bhi hu, aisa nahi hai.
जी देखिए एक चीज, आप देखिए एक चीज है, ये देखिए एक चीज फर्क इतना है, एक चीज है कि इंडियन में, एज एन इंडियन आपको बता दूं ये चीज कि वी नो द वाशिंगटन पोस्ट हो, अल जजीरा हो, या जैसे आपने बीबीसी का जिक्र किया, हम लोगों को इतना पता है कि वो किस एंगल पे बात कर रहे हैं। दे आर इन द वन साइड, दे आर वेरी लेफ्ट, वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही बात करता है। अगर आपने उनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, सिर्फ एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया, यही सब चीजें होती है, और उसके आगे उनकी रेजोल्यूटी चलती नहीं है। मैंने जिक्र इसलिए उनका नहीं किया क्योंकि आई वॉन्ट, क्योंकि आप पाकिस्तान मीडिया जो है, मुझे पता है वो भी किस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं देखिए कश्मीर में सहाफियों को कैसे दबाया जाता है, बट एक चीज़ है, आपको वन साइड स्टोरी दिखाई जाती है, और वहाँ की जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम जो है, मैं ये मान सकता हूँ कि इनोसेंट आवाम है वहाँ की, वो मान लेते हैं सब चीज़ें, उसकी वजह से क्या है, वो धोखे में आके गलत चीज़ों या हथियार उठा के वो कहते हैं कि हमें कश्मीर में लड़ना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर ये बोल रहे थे पाकिस्तानी कुछ सहाफी जो थे, पीओके गए थे, तो पीओके वो कह रहे थे कि हम लोग जी, हम इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में अजान सुन सकते हैं। जब मैं ये वीडियो सुन रहा था, मैं कोई इसमें नहीं, कौन सी बात है, मतलब अजान सुन रहे हैं आप, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये दिमाग में आया कि दैट मीन इनको ये बोला जाता है कि कश्मीर में कहीं अजान होती ही नहीं है, वहाँ मस्जिदें है ही नहीं, ये सब चीज़ें जो है। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन के कारण वहाँ के लोग आज तक से बेवकूफ़ बने हुए हैं, वो इनोसेंट लोग हैं। मुझे भी पता है पाकिस्तानी जो लोग हैं इनोसेंट लोग हैं, इनको वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने खराब किया हुआ है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सुलह कैसे होगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको कहा अनटिनियस अनलस, जब तक एक चीज़ है पाकिस्तान हथियार हो या टेररिज्म हो, ये सब चीज़ें बंद ना करें। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरा एक चीज़ सिंपल मानना है, आप सब कुछ छोड़िए, कश्मीर छोड़िए, आपने टर्की कर लिया, आप फलस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान खासकर पाकिस्तान आवाम के बारे में बात करूँ, मैंने आज तक कभी किसी पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी हुकूमरान को, पाकिस्तानी आर्मी को कभी यूगर मुस्लिम्स के बारे में बात करते हुए नहीं, क्या वो हमारे मुसलमान ही है? या तो उनका इस्लाम अलग है या तो हमारा इस्लाम अलग है, मुझे आज तक ये कंसेप्ट नहीं आया यूगर्स का इस्लाम हम अलग हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के लिए बात नहीं करते, सिर्फ हक, सिर्फ पीड़ियों के लिए बात करना, क्योंकि कहते हैं कि कश्मीर से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या यूगर्स मुस्लिम के लिए कोई अलग निमा क्या? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, आज तक मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे ये सवाल पूछा गया था, आप यूगर्स में बात क्यों नहीं कहते, उन्होंने कहा मैं इस चीज़ पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कश्मीर पर अगर कोई भी उनसे बात कर ले, वो तो 24 घंटे कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पर उनका अपना इंटरेस्ट है। मैं आपको कहता हूँ, जब हम अपने इंटरेस्ट छोड़ के अपने देश को बनाने में अपना जो हम में प्रोग्रेस सोच रख ले, तब क्या है, आपकी मुल्क की भी तरक्की होगी, हमारे मुल्क की भी तरक्की होगी। आपने मोदी साहब का, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लीव एवरीथिंग असाइड, मैंने आपको ये चीज कहा, अगर आप मुझे आज की डेट में, जब से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, अगर आप मेरे को उनका ट्विटर हैंडल एक बार दिखा दे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक ट्वीट था। मैंने अपनी लाइफ में आज भी उनके उनके ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बात भी नहीं देखी। अगर आपने शहबाज शरीफ का देखा, इमरान खान, ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो कहते हैं फैसिस्ट बीजेपी आरएसएस रिजिम, नहीं ना देखे ना, साजिद साहब मोदी जी ने कहा था ना घुस के मारेंगे, याद है आपको, याद है कि नहीं याद है, मोदी जी ने कहा था ना आप पकड़ के घुस के मारेंगे, उसके बाद बिल्कुल बोला, तो वो बिल्कुल बोला, नहीं देखे, ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में हरगिज लोग ये नहीं समझ रहे कि वहाँ इंडियन साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे अजान नहीं हो रही। आप मुझे नहीं पता आप कौन सी वीडियो से मिसगाइड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लोग नहीं सोच रहे। दूसरी बात, हम लोग बहुत इनोसेंट लोग नहीं है, ऐसे होते ना तो फिर IMF को इतनी बार चूना लगाया है, चाइना को इतनी बार टोपी पहना के पैसे लेकर आए, 22 बार IMF से, आप कोई और कंट्री बता दे, तो ये आप लोग कोई शक्ल से लगते हैं, हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग काफी छट्टे हुए लोग हैं। और दूसरी बात, हम भारत से ही आए सर, हम और कहीं से नहीं आए, इसलिए आप हमें ये भी नहीं कह सकते कि आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उधर से ही निकल के इधर आए, बस ये कि यहाँ पे हम थोड़ा छुप छुपा के काम करते हैं, आप लोगों ने खुल्ला खुल्ला नहीं करते। जी अगर लास्ट का जहाँ तक साजिद साहब ने बात की ना मस्जिद की, पाकिस्तान में ये मेजोरिटी लोगों को पता है कि शायद दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद हिंदुस्तान में है, ठीक है, दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यानी 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान की अभी 25 करोड़ पॉपुलेशन नहीं हुई, पाकिस्तान से ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन मुसलमानों की रहती है, तो ये तो किसी को डाउट नहीं है। और मैं छोटा होता था, मीरवाइज उमर फारूक साहब, अब मुझे नहीं पता उनके बारे में क्योंकि अब मैं नहीं पढ़ रहा उनके हवाले से, लेकिन अब कहते हैं कि जी श्रीनगर की पता नहीं कौन सी मस्जिद थी वहां पे वो बाकायदा जुम्मा पढ़ाते रहे, तो वो कोई मंदिर में तो जुम्मा नहीं होता होगा ना, मस्जिद ही होती होगी जहां पे ये जुम्मा होता होगा। मैं अपने बचपन की आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये मतलब पाकिस्तान टेलीविजन जिस वक्त सिर्फ हुआ करता था, मेरे घर में उस वक्त ना तो डिश थी ना कोई और चीज थी, तो मैं उस वक्त की आपको ये बात बता रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि लोग ये समझते हैं कि जी वहां पे अजान नहीं होती, लोगों को पता है कि यार हमसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, वहां पे मस्जिदें भी हैं, वहां लोग मतलब दो दिन पहले कलकत्ता की मुझे कोई वीडियो, मेरी एक जानने वाली है उसने मुझे बाकायदा कलकत्ता की वीडियो, बल्कि लाइव कॉल उसने मुझे वीडियो की और वहां से मुझे वो दिखा रही थी कि यार ये लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, ये उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं, मुझे तो उसकी तादाद नहीं पता, लेकिन अगर 25 करोड़ रहते हैं तो फिर उस हिसाब से मस्जिदें भी, मगर ये जरूर है मैं जाते जाते नमाजें भी होती होंगी, उसमें नमाजें भी होती होंगी, कोई भी चीज नहीं, एक चीज मैं जाते जाते जरूर कहूंगी, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज शो में आए, लेकिन जब भी आप लोग कोई न्यूज सुनते हैं, चाहे फखर आप भारत के बारे में, चाहे साजिद साहब आप पाकिस्तान के बारे में, एक दफा डबल चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि मीडिया किस तरह से बता रहा है, कौन सा मीडिया बता रहा है, किसको सुनना चाहिए, कौन सही बता रहे, तो यहाँ पर भी पहले लोगों को बहुत गलत तरह की न्यूज रहा करती थी, अब जब से यूट्यूब हुआ है और कई इंडियन चैनल सोशल मीडिया, तो एक चेंज आया है, एक पॉजिटिव चेंज आया है और मेरे ख्याल में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।